कागज को मैंने इस आकार में कट किया है। इस आकार का हमें प्लांटर बनाना है। ये मैंने बुक का कवर लिया है। इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं। पतला कार्डबोर्ड आसानी से मुड़ता है, इसलिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। हमें सभी गैप को हॉट ग्लू से अच्छे से भरना है ताकि सीमेंट और पीओपी का घोल बाहर ना निकले। अब इसी तरह हमें और दो सांचे बनाने हैं। हमारे तीनों सांचे तैयार हैं। सबसे पहले इस सांचे में घोल डालना है। व्हाइट सीमेंट और पीओपी को समान अनुपात में लेकर पानी डालकर इसका पतला घोल बनाना है। सीमेंट और पीओपी का घोल थोड़ा कम लगे, इसलिए मैंने यहाँ थर्माकोल डाला है। वैसे तो यहाँ थर्माकोल की कोई ज़रूरत नहीं थी। नीचे से यहाँ थोड़ा शेप बिगड़ गया है। इसे यहाँ से सीधा रखने के लिए मैं बुक का सहारा दूंगी। वैसे ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इस पर डिज़ाइन बनाते हैं। ये थोड़ा गीला रहता है, तभी इस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं पेन की रिफिल और नुकीले कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारी डिज़ाइन तैयार है। अब जो दो सांचे बने हैं उसमें इस डिज़ाइन को फिक्स करना है। वही समान अनुपात में मैंने इस घोल को बनाया है। इस गोल शेप पर भी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। अब इस पर कलरिंग का काम करते हैं। इस तरह मैं डार्क ब्राउन कलर लगा रही हूँ। कलर सूखने के पहले हमें इस कलर को पोंछना है ताकि दो शेड दिखे। Thank you.
हमारा सुंदर टिकाऊ ट्रेडिशनल प्लांटर तैयार है। प्लांट के साथ साथ आप इस पर दिया भी सजा सकते हैं या मूर्ति भी रख सकते हैं। ये पोछे का डंडा है, पोछा तो खराब हो गया, मैंने उसे फेंक दिया, पर ये डंडा अच्छा था तो मैंने इसे DIY के लिए संभाल कर रखा था। इस तरह की लकड़ी भी आप ले सकते हैं। ये मैंने प्लास्टिक की बॉटल ली है, इसका शेप बड़ा ही सुंदर है, इसीलिए मैंने ये बॉटल ली है। आप इस तरह के शेप की कोई भी बॉटल ले सकते हैं, हमें इससे साँचा बनाना है। ये बॉटल थोड़ी कड़क है, इसीलिए मैं इसे दो भागों में काट रही हूँ, ताकि जब हम इसमें सीमेंट और POP का घोल डालेंगे तब ये दोनों भाग आसानी से निकले और हमारी डिज़ाइन खराब ना हो। मैं इसे मास्किंग टेप से चिपका रही हूँ। मैंने इस डंडे की लंबाई 35 सेंटीमीटर ली है, आप अपनी पसंद से इसकी लंबाई रख सकते हैं। अब इसे आरी से काटते हैं। ये मैंने अमूल घी के डिब्बे का ढक्कन लिया है, ये ढक्कन टीन का है, इसीलिए हम इस पर मोम या तेल का दिया भी रख सकते हैं। इस ढक्कन को डंडे पर स्क्रू से फिट करते हैं। डंडे पर मैंने कील से होल बनाया है। बॉटल को कार्डबोर्ड पर चिपकाते हैं। बॉटल के गैप को हॉट ग्लू से अच्छे से बंद करना ज़रूरी है, ताकि सीमेंट और POP का घोल बाहर ना निकले। वाइट सीमेंट और POP को समान अनुपात में लेकर पानी डालकर मैंने इसका पतला घोल बनाया है। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम दूसरा साँचा बनाते हैं। ये देखिए, बॉटल काटने की वजह से ये बड़े आसानी से निकल गई। इस जगह थोड़ा गैप रह गया है, कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सीमेंट और POP का पेस्ट लगा देते हैं। अब मैं इस पर नुकीले कटर से डिज़ाइन बना रही हूँ। वही समान अनुपात में सीमेंट और POP का मैंने पतला घोल बनाया है। नीचे के बेस पर भी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। इसे आप प्लेन चौकोन भी रख सकते हैं, पर हम ट्रेडिशनल स्टैंड बना रहे हैं तो इस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो ये बिल्कुल पीतल की तरह दिखेगा। मैं इस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर लगा रही हूँ, सूखने के बाद इस पर गोल्डन कलर लगाएंगे।
हमारा ट्रेडिशनल स्टैंड तैयार है। इस पर हम मनी प्लांट को रख सकते हैं या कोई भी प्लांट को रख सकते हैं, साथ ही इस पर दिया भी रख सकते हैं। मैं दोनों भी रख कर दिखाऊंगी। उसी बचे हुए पोछे के डंडे से मैं और एक स्टैंड बना रही हूँ। इसे भी मैं उसी तरह बना रही हूँ, बस इसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग है। ये वेस्ट प्लास्टिक का डिब्बा है। ये डिब्बा थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसे कट किया है और इसके ढक्कन को फेंकना नहीं है, इसे इस तरह नीचे चिपकाएंगे। हॉट ग्लू से मैं डिब्बे पर डिजाइन बना रही हूँ। अब इस बॉटल को कार्डबोर्ड पर चिपकाते हैं। इस बॉटल का प्लास्टिक बहुत पतला है, हॉट ग्लू से ये पिघल रही थी। हो सके तो आप जिसका प्लास्टिक मोटा हो ऐसी बॉटल लें। इस डंडे की लंबाई मैंने 32 सेंटीमीटर ली है। डिजाइन बन गई है, अब इस पर कलरिंग का काम करते हैं। गोल्डन और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में बना ये ट्रेडिशनल स्टैंड बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अब इसे टेबल पर सजाते हैं।